नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हिंदी में। तो आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए। नवोदय विद्यालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की इसमें पोस्ट भरी जाएगी। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कौन सी वैकेंसी है। लास्ट डेट है इसकी 9 अगस्त 2019। तो 9 अगस्त तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे कैसे आपने फॉर्म भरनी, पूरी जानकारी आपको इसमें हम बता देंगे। नवोदय विद्यालय से ये पोस्टें भरी जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब्स जुलाई 2019 एम्प्लॉयमेंट न्यूज हिंदी की अपडेट्स आप देख रहे हैं। नवोदय विद्यालय में निकले 2370 पदों पर भर्ती योग्यता 12वीं पास से आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता देते कि वैकेंसी कौन सी है और किस प्रकार से ये भरी जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। पहले आपको बता देते हैं ग्रुप ए में कौन सी है, ग्रुप बी में कौन सी और ग्रुप सी में कौन सी पोस्ट है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएगी, ठीक है। जैसे ग्रुप ए है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें ये पोस्टें भरी जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट इसमें भरी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। स्वर्ण रक्षण के पास 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 है। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी। उसके बाद ग्रुप बी जो, इसमें आपकी पीजीटी की पोस्टें भरी जाएंगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। आपकी स्क्रीन पर आ रही है कौन सा वैकेंसी और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 215 पद इसमें भरे जाएंगे। AWS के 19 है, OBC के 111 पद है, SC के 59 पद है और उसके बाद जो ST के 26 पोस्टें भरी जाएंगी। टोटल है 430 ये वैकेंसी भरी जाएंगी। इसके अतिरिक्त बहुत सी और पोस्ट है जो भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है और पूरी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है अब। और हालांकि अभी बहुत टाइम है आपके पास इसके लिए अप्लाई करने का, क्योंकि आपको पता है जब लास्ट डेट आ जाती है नज़दीक, तो उसके बाद फिर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। अब जो पोस्ट 3 है, ठीक है, ये ग्रुप सी की आपकी स्क्रीन पर आ रही ये जो वैकेंसी है, इसमें भरी जाएंगी आपकी क्लरिकल स्टाफ की वैकेंसी, ठीक है। कैटरिंग असिस्टेंट की ग्रुप सी की वैकेंसी है। लॉ एडविजन क्लर्क की ये पोस्ट है भरी जा रही है। टोटल वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, टोटल वैकेंसी आपकी 135 पद इसमें भरे जा रहे हैं। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें भरी जा रही है, वो टोटल है 26 पद इसमें ये भरी जा रही है। 2370 पद इसमें भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। इसके लिए अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, एक बार आप लिंक को जरूर चेक कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिया है, ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको लिंक दे रहे। तो जो सरकारी वेबसाइट है उसी का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप कर सकते हैं उसमें। आज के लिए इतने, नमस्कार।